नमस्कार दोस्तों, अभी अभी की सबसे बड़ी खबर उत्तर प्रदेश मौसम को लेकर आई है। यूपी में मचा हाहाकार, भयंकर बारिश हो रही है। पिछले 72 घंटों से अलग अलग इलाकों में मूसलाधार बारिश के चलते नदी नाले उफान पर आ गए हैं। दोस्तों, सड़कों पर बाढ़ का सैलाब आ गया और मौसम विभाग ने गाजीपुर, सोनभद्र, प्रतापगढ़, जौनपुर, संत कबीर नगर, फतेहपुर, प्रयागराज, कौशाम्बी, चित्रकूट, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, देवरिया, बलिया, गोरखपुर, मऊ, आजमगढ़, कानपुर देहात, कानपुर नगर, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, जालौन, हमीरपुर, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, महोबा, झांसी, इटावा, मथुरा, दोस्तों आगरा, ललितपुर, मैनपुरी, इन क्षेत्रों के अंदर आज दोस्तों ताबड़तोड़ बारिश होगी। अगले 3 से 4 दिन तक अलग अलग इलाकों में मूसलाधार से अत्यंत भीषण मूसलाधार बारिश हो सकती है। तेज रफ्तार से हवाएं चलेंगी जिसकी स्पीड 80-90 किलोमीटर प्रति घंटे हो सकती है। भयंकर से अति भयंकर वज्रपात भी हो सकता है। लगातार आकाश से बिजली गिर रही है। यूपी में हालात बेकाबू हो गए हैं और दोस्तों पहाड़ी इलाकों पर मूसलाधार बारिश के चलते गंगा नदी एक बार फिर से उफान पर आ गई है। गंगा के किनारे सभी शहरों को अलर्ट कर दिया है। वाराणसी, प्रयागराज के अंदर भी हाई अलर्ट जारी कर दिया है। यमुना नदी भी फिर से उफान पर आ सकती है। इसके अलावा राप्ती, रोहिणी, घाघरा, सरयू, ये सभी नदियां दोस्तों उफान पर चल रही हैं। आप सभी से विनती है कि भूल कर भी नदी नालों के पास ना जाएं, भारी बारिश के चलते बाहर ना निकलें। दोस्तों उत्तराखंड के अंदर बादल फट गया है। उधर मध्य प्रदेश के अंदर भी फिर से मूसलाधार बारिश हो रही है और दोस्तों केन और बेतवा नदियों के सारे पानी यमुना में छोड़ा जा रहा है जिसके चलते यमुना नदी उफान पर आ सकती है। उधर केरल, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, मध्य महाराष्ट्र और मुंबई का हाल बेहाल हो गया है। वहां पर ताबड़तोड़ भयंकर से अति भयंकर बारिश की वजह से सैकड़ों लोगों की मौत हो गई है और चारों ओर पानी ही पानी है। हजारों घरों के अंदर पानी जा चुका है। घरों के अंदर पानी घुसने की वजह से हजारों लोगों को अन्य स्थान पर पहुंचा दिया है। सेना को यहां पर भेज दिया है। जगह जगह एनडीआरएफ की टीमें भी अलर्ट कर दी हैं। दोस्तों बंगाल की खाड़ी में 3 नए सिस्टम एक्टिव होने की वजह से इस समय मूसलाधार से अत्यंत भीषण मूसलाधार बारिश और तेज रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। दोस्तों अलर्ट रहें, सुरक्षित रहें, भारी बारिश के चलते बाहर ना निकले, नदी नालों से दूर रहें। आपके क्षेत्र का मौसम कैसा है कमेंट में लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मौसम की जानकारी आपको मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।